नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्रोनेक्स पर। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गेहूं में आने वाली लूस मट की बीमारी के बारे में। इस बीमारी में बालियों में दाने बिल्कुल ही ख़त्म हो जाते हैं और उनकी जगह काला पाउडर भर जाता है, जिसके कारण फसल बिल्कुल बर्बाद हो जाती है। इसकी रोकथाम करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये एक बार फैल जाए तो इसको रोकना बहुत ही मुश्किल है। इसकी रोकथाम के लिए जब भी पौधे पर यह बीमारी दिखाई दे, उसको उखाड़कर मिट्टी में दबा दें और साथ में ही 400 ग्राम कार्बनडिज्म को एक एकड़ पर छिड़काव कर दें, जिससे यह बीमारी फैलने से रुक जाएगी। यदि इसी बीज से आप अगली फसल उगाना चाहते हैं तो इस बीज को शोध लें। ये कार्य मई और जून में किया जाता है। इसमें बीज को 4 घंटे पानी में भिगो कर रखें और बाद में धूप में सुखा दें। इसके बाद बीज को स्टोर कर लें और अगले सीजन में जब बिजाई करनी होगी तो इसका बीज उपचार 2 ग्राम कार्बनडिज्म प्रति किलो के हिसाब से कर लें। आज के लिए बस इतना है। फसल और पशु संबंधित जानकारी के लिए हमारी एप्लीकेशन पर पोस्ट करें और ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।